अगर आप आज की वीडियो को देख लेते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अपने एंड्रॉयड फोन में, यस गाइज, अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है तो आपको उस स्मार्टफोन में कौन सी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी चाहिए, एंड्रॉयड का लाइट वर्जन एप्लीकेशन यानी कि एंड्रॉयड गो एप्लीकेशन या फिर एंड्रॉयड का ऑफिशियल एप्लीकेशन। तो आज मैं आप सभी को कंपेयर करके दिखाऊंगा एंड्रॉयड गो वर्सेस एंड्रॉयड कि विनर इन एप्लीकेशन में से कौन सा है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया हूँ कुछ एप्लीकेशन जो आप सभी डेली यूज करते हैं, लाइक गूगल मैप हो गया, गूगल गो हो गया, यूट्यूब गो हो गया, यूट्यूब लाइट हो गया, मैसेंजर लाइट हो गया, ट्विटर लाइट हो गया, और सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ट्विटर, फेसबुक, मैप, गूगल, यूट्यूब, मैसेंजर, इन सभी एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे फिल्टर किया है और इन सभी के बीच मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा कि आपको कौन सी एप्लीकेशन यूज करना चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियो सबसे पहले चाहिए तो इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से ऑन कर दें। सो नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम प्रसाद और आप देख रहे हैं सीखे ऑल इन हिंदी। तो सबसे पहले मैं इन दोनों फोन्स में से बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं उन सभी को क्लियर कर देता हूं। देख सकते हैं दोनों फोन में कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में नहीं है। दोनों फोन को मैं यहां पे सेम वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेता हूं ताकि जो भी स्पीड मिले मुझे इक्वल मिले। अब दोस्तों यहां पे आप इस टेस्ट में स्पीड टेस्ट की अपेक्षा मत कीजिएगा क्योंकि यह एक लाइट वर्जन है और यह एक हैवी ऐप है, तो आपको स्पीड में आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों फ़ोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ है। ये भी 4GB रैम के साथ आती है, ये भी 4GB रैम के साथ आती है, दोनों के स्टोरेज कैपेसिटी भी सेम ही है, तो आपको स्पीड आप यहाँ पे कंपेयर का कुछ भी मतलब नहीं बनता है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं कि कौन सी एप्लीकेशन आप सभी के लिए बेस्ट है। तो चलिए हम दोनों फोन्स में गूगल मैप को सबसे पहले टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने ऐप को ओपन किया तो यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो गूगल का मैप गो एप्लीकेशन है ये क्रोम ब्राउज़र को यूज करता है और उससे आपको गूगल मैप दिखाता है, और ये जो गूगल मैप है ये आपको सेपरेटली एक गूगल मैप ही है। नेविगेशन में यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाता है टॉर्च की किरणों का, जिससे कि आप सही डायरेक्शन में जा सकते हैं, और गूगल लाइट वर्जन में आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। जैसे ही यहाँ पे हम नेविगेशन को स्टार्ट करते हैं तो जो लाइट वर्जन है वो कह रहा है कि आप इस नेविगेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, तब आप अपने मार्ग को, रास्ते को नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन जो गूगल मैप है वो ऐसा नहीं कह रहा है, कह रहा है कि आप डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे आपको फीचर कंपैरिजन मिल जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो विनर है वो है हमारा गूगल मैप, जो कि हैबी एमबी का है, वही विनर है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फेसबुक और फेसबुक लाइट के बीच में दोनों एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, दोनों में आपको स्टोरी का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप टॉप हेडर को देखें तो यहाँ पे आपको दोनों में इक्वल फीचर मिल जाते हैं, लेकिन जो लाइट वर्जन में आपको एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है वो है आपका इन बिल्ट मैसेंजर का ऑप्शन। दोस्तों इसके लिए आपको हैबी मैसेंजर ऐप को अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लाइट वर्जन को यूज करते हैं तो। अगर आप फेसबुक का ऑफिशियल यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको मैसेंजर का यूज करना पड़ेगा। अगर आप स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टोरेज की कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी यहाँ पे आपको लगभग 1GB को देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप लाइट वर्जन देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक तो फेसबुक आपका 1 से 2 MB के बीच में आ जाता है, इसके अंदर इनबिल्ट आपको मैसेंजर देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी आपका पॉजिटिव हो जाता है आपका लाइट वर्जन। अगर हम फीचर की बात करें तो फेसबुक के अंदर यहाँ पे आपको लाइक एनिमेशन देखने को मिलता है, फेसबुक लाइट के अंदर यहाँ पे आपको एनिमेशन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ पे 3 डॉट के लाइन के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दोनों में इक्वल फंक्शन देखने को मिल जाता है क्योंकि दोनों ही फेसबुक के एप्लीकेशन है, तो आपको ये चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगा।
अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं फेसबुक मैसेंजर को। जैसे ही आप इन दोनों मैसेंजर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में ही कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाता है। लाइक यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को आप सर्च कर सकते हैं मैसेंजर के अंदर, और यहाँ पे आप स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप फेसबुक मैसेंजर लाइट के अंदर ये चीज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा देखने को मिलता है फेसबुक मैसेंजर के अंदर, वो है आपका जेस्टर सपोर्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी फ्रेंड के चैट को आप जेस्टर की तरह से स्वाइप करके यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे फेसबुक लाइट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। मैसेंजर के अंदर यहाँ पे आपको डार्क थीम का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको मैसेंजर लाइट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप चैट के अंदर जाएं तो आपको इक्वल ही फंक्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप फेसबुक मैसेंजर के अंदर आप गेम खेल सकते हैं और मैसेंजर लाइट के अंदर आपको ये फंक्शन नहीं मिलता है। अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप मैसेंजर की तरफ जाइए, अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी कम है तो आप मैसेंजर लाइट को आप यूज कीजिए। अब हम कंपेयर करते हैं गूगल और गूगल गो के बीच में। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। गूगल गो के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट का यहाँ पे आपको शॉर्टकट देखने को मिलता है, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, कोरा हो गया और क्रिकबज, इस तरीके का यहाँ पे आपको शॉर्टकट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप गूगल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको न्यूज फीड देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी मज़ेदार है और मुझे काफ़ी हेल्प करता है न्यूज़ को रीड करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल गो के अंदर एक बहुत ही कमाल का फीचर देखने को मिलता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे आप कोई सर्च करते हैं, जैसे कि मैं एक वेबसाइट को सर्च करता हूँ, तो दोनों में यहाँ पे आपको सेम टाइम में ओपन हुआ, बट यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस है वो आपको थंबनेल प्रीव्यू का वो आपको गूगल ऐप के अंदर मिलता है, और वो चीज़ यहाँ पे आपको गूगल गो के अंदर नहीं मिलता है। दोनों ही एप्लीकेशन में हमने पोस्ट को ओपन कर दिया है और देख सकते हैं गूगल गो के अंदर यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है, वो है यहाँ पे आपको प्ले का बटन। अब जैसे ही यहाँ पे आप प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आर्टिकल है वो 2 गुना स्पीड में आपको ये पढ़कर सुनाएगा। तो ये काफ़ी ऑसम फीचर मेरे को गूगल गो के अंदर देखने को मिल गया, और ये चीज़ आपको गूगल के अंदर देखने को नहीं मिलता। इन फ्यूचर शायद आपको गूगल के अंदर भी ये सपोर्ट मिल जाए। दोस्तों अब हम कंपेयर करते हैं ट्विटर और ट्विटर लाइट के बीच में। दोनों ही एप्लीकेशन यहाँ पे आपको सेम फीचर प्रोवाइड करती है, जो भी चेंजेस है वो आपका टॉप और बॉटम में है। टॉप में यहाँ पे आपको नेविगेशन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बॉटम में नेविगेशन मिलता है। लाइक यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल आइकन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट में ही यहाँ पे आपको डार्क मोड देखने को मिलता है, और ये चीज़ यहाँ पे आपको ट्विटर के अंदर सेटिंग में जाने के बाद मिलेगा। तो अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप ट्विटर लाइट में जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टोरेज बहुत ही कम कैप्चर करेगा ट्विटर लाइट। अब हम बात करेंगे YouTube और YouTube Go ऐप के बीच में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसे ही इन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप साइड में वीडियो अपलोड का ऑप्शन YouTube Go में नहीं मिलता है। दूसरा यहाँ पे आपको बॉटम में कम फीचर देखने को मिलता है, लाइक ट्रेंडिंग का आपको नहीं मिलता है, इनबॉक्स का नहीं मिलता है, तो ये आपको फीचर नहीं देखने को मिलता है। अगर आप सर्च के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन नहीं मिलता है गूगल गो के अंदर। अगर आप कोई वीडियो प्ले करते हैं तो यहाँ पे आपको लाइक डिसलाइक का ऑप्शन नहीं मिलता है, कमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये सब आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर आप यूट्यूब गो यूज करते हैं। फिलहाल तो आप सभी यूट्यूब गो कभी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि क्यों एक्सटर्नल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जबकि आपके अंदर इनबिल्ट यूट्यूब एप्लीकेशन पड़ा है। तो फिलहाल ये थी कंपैरिजन वीडियो। आप सभी को कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बताइएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप मुझसे पूछे कि आप बताइए कि इन एप्लीकेशन में से कौन विनर है, अगर आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जाएं लाइक फेसबुक लाइट, मैसेंजर लाइट, ट्विटर लाइट, तो ये सब काफ़ी ऑसम फीचर देते हैं और कम MB कैप्चर करते हैं आपके स्टोरेज को। तो आप सभी प्रेफर जो आप चाहें कर सकते हैं,
नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आज के बाद से आप कौन सी एप्लीकेशन को यूज करना पसंद करेंगे।